मराठा लाइट इन्फेंट्री। जब भी जिक्र मराठाओं का आता है तो सामने छवि होती है छत्रपति शिवाजी महाराज की, जिनके शौर्य और प्रताप ने मुगलों को नाको चने चबवाए। चौदह सौ से ज्यादा रंगरूट बेलगाम के इस मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर पहुंचते हैं और यहां बदल जाती है उनकी जिंदगी। इनका ट्रेनिंग 10 महीने के लिए चलता है, ये दो फेजेस में चलता है, दैट इज बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग और एडवांस मिलिट्री ट्रेनिंग। हमारा जो मेन मुद्दा है इस ट्रेनिंग में, जो एक सिविल बैकग्राउंड से जो आया हुआ है यंगस्टर, जो 18 से ले 20 साल के बीच में है, उसको हम एक पूर्ण सैनिक के तौर पे कैसे हम इसको कन्वर्ट करके हमारा जो बटालियंस जो फील्ड पे डिप्लॉयड है या बीच में है उस दौरान उनको ट्रेन करना। इनका लोअर बॉडी महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले मराठाओं की पहली बटालियन अगस्त 1768 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने खड़ी की बंबई और उसके उपद्वीपों को सुरक्षित रखने के लिए। मराठा सेना और नौसेना दोनों ही बॉम्बे सेपॉयज की दूसरी बटालियन बनी। इन्हें जाना जाता था जंगी पलटन के नाम से। और मराठाओं की दूसरी बटालियन भी 1768 में स्थापित की गई बॉम्बे सेपॉयज की तीसरी बटालियन के अंतर्गत, और इसे नाम दिया गया काली पांचवी। उनको ट्रेन करना, इनका लोअर बॉडी स्ट्रेंथ होता है, अपर बॉडी में स्ट्रेंथ कम होता है, इसको सबसे पहले हम नजर रखते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन काफी अच्छा होता है और बेसिक ग्रास्पिंग नॉलेज और जनरल नॉलेज का स्टैंडर्ड भी अच्छा होता है। साथ ही साथ हमको एक और एडवांटेज है, हमारा बगल में जूनियर लीडर्स विंग है जहां पर प्लेटून कमांडर्स कोर्स और कमांडो कोर्स चलता है। अठारहवीं सदी में कई और बटालियंस खड़ी की गईं, जिन्होंने कहुन, बलूच, एबिस्निया में अपनी जीत के झंडे गाड़े। और फिर 19वीं सदी में मराठाओं की सेना ने दोनों विश्व युद्धों में अपने पराक्रम का प्रदर्शन किया और ब्रिटिश राज में दिए जाने वाले युद्ध सम्मान विक्टोरिया क्रॉस के भी हकदार बने। और 1947 में आजादी के बाद ये कहलाई सिर्फ मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट, जो कि आज 21 बटालियंस मजबूत है। At Belgaum, President Zakir Hussain presents new colors to the regiment. Light infantry एक ऐसी regiment होती है जिसके साथ ना ही tanks होते हैं, ना ही बख्तर बंद गाड़ियाँ। ये पैदल चलने वाली सैन्य unit होती है जिसके पास आधुनिक हल्की rifles होती हैं और कुछ तोपें। आज मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट में शामिल होने वाले 80% सैनिक आते हैं महाराष्ट्र से, और फिर कर्नाटका, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, गोवा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से। हमारी कॉम्पोजिशन करते हैं इनको कन्वेंशनल वॉरफेयर के बारे में। जब रिक्रूट ट्रेनिंग खत्म होकर अटेस्टेशन होने के बाद दोबारा ये रेजिमेंटल सेंटर में आते हैं, जो हम काउंटर इंसर्जेंसी के बारे में इनको सिखाते हैं। उस टाइम पे हम इनको ज़्यादा ट्रेनिंग स्मॉल टीम ऑपरेशंस के बारे में, जो हमारा जंगल कैंप है वहाँ पे जो इलाका है हिली टेरेन और जंगल वॉरफेयर का, तो उस टेरेन में हम इसको सिखाते हैं। बार लड़ाई में ऐसे मौके आते हैं और ऐसे मिशन आते हैं जिसको अंजाम देने के लिए हमें एक स्पेशली ट्रेन्ड सोल्जर की ज़रूरत पड़ती है, जो कि एक नॉर्मल और एवरेज रेगुलर सोल्जर से ज़्यादा मानसिक और शारीरिक स्तर पे और साथ में स्किल्स में महारत हासिल किया हो, तो इसलिए कमांडो ट्रेनिंग इंडियन आर्मी में किया जाता है।
जब हम दुश्मन के इलाके में 2 या 3 दिन के लिए सर्वाइव करने के लिए जाते हैं या कुछ कवर इकट्ठा करने जाते हैं, उस दौरान हम लोग इस प्रकार का बैग को तैयार करते हैं। साथ ही उसके अंदर इस प्रकार का पानी का कैन को इस्तेमाल किया जाता है, जिससे हमारा रफ्तार और पानी का मात्रा कम इस्तेमाल हो जाए और हमारा जो है नॉर्मल रेशन खत्म होने के बाद ड्राई रेशन को हम लोग जंगल में ही पका कर इसको खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट एड का किट जो कुछ प्रॉब्लम आ गया या बुखार फीवर या वुंडेड होने पर इसका इस्तेमाल करते हैं। जब पानी खत्म होके चाहे हम लोगों को नदी नाले कहीं तालाब का पानी पीना हो तो उसमें हम लोग पानी का इस्तेमाल के लिए इस प्रकार का वाटर टेबलेट का इस्तेमाल करते हैं। मराठा जो है एक गनीमी कावा जिसको बोलते हैं छुप कर लड़ाई करना, और उसमें काफ़ी महारत हासिल किया है। क्लिप चॉप असाल्ट जिसको हम बोलते हैं कि मुश्किल से मुश्किल रास्ते से निकल कर भी दुश्मन के ऊपर जो हम लोग धावा बोलते हैं और दुश्मन को जो है बर्बाद करते हैं। और मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट काफी समय बिताती है शूटिंग रेंज में, जहां उन्हें कम बुलेट्स का इस्तेमाल करते हुए सटीक निशाना साधना सिखाया जाता है। एक इन्फेंट्री सोल्जर का मुद्दा होता है राइफल सही तरीके से चलाना, खास करके लड़ाई में, क्योंकि लड़ाई में जब स्टार्ट होता है यौन दो एडिक्वेट एम्यूनेशन होता है, लेकिन वो एम्यूनेशन सही तरीके से अगर इस्तेमाल करें तो मिनिमम कॉस्ट में हमको मैक्सिमम सक्सेस मिल सकता है। एक गोली एक दुश्मन का मतलब ये है कि जब मैं फायर करता हूँ तो मुझे यकीन होना चाहिए मेरे हथियार के ऊपर और मुझे गारंटी होना चाहिए कि मेरे खुद के काबिलियत के ऊपर कि अगर मैं एम करके फायर करूं तो गोली वहीं जाना चाहिए जहां मैं चाहता हूं। उसको पहले से उसका जहन में डाला जाता है कि जब आप ट्रिगर दबाते हो तो आपका इरादा और मुद्दा एक होना चाहिए कि जब बुलेट बैरल से निकलता है वो अपना नतीजा हासिल करना चाहिए, यानी दुश्मन को मारना ही चाहिए। और साथ ही भरा जाता है उनमें वो आक्रोश और युद्ध भाव जो उनके चेहरे पर दिखते ही दुश्मन के रोंगटे खड़े कर देता है। मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट की खासियत है शूटिंग और बेनेट का इस्तेमाल और युद्ध का बिगुल बजते ही तैयार होने की क्षमता। कॉम्पोजिशन के अंदर तकरीबन 5% मुस्लिम है, तकरीबन 5% मैसूरियन और बाकी अन्य जो ट्रेड्समैन हैं वो ऑल इंडिया ऑल क्लास कॉम्पोजिशन से आते हैं। बोल श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। ये है मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट का युद्ध घोष जो कि शिवाजी महाराज की बहादुरी का आह्वान करता है। रेजिमेंट का सेंटर है कर्नाटका के शहर बेलगाम में। मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट ही एक ऐसी अनोखी रेजिमेंट है जिसके रेजिमेंटल सेंटर को भी एक खास बैटल ऑनर से नवाजा गया। बेलगाम का ये रेजिमेंटल सेंटर सबसे पुराने 5 मिलिट्री स्टेशन्स में से एक है जो कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी के निर्माण के समय स्थापित किए गए थे और ये अंग्रेजों का एक बड़ा प्रशासनिक क्षेत्र था। और आज ये रेजिमेंटल सेंटर शान से अपने इतिहास की उन कहानियों को सहेज रहा है जो कि मराठा साहस और बलिदान की मिसाल हैं और देश की हिफाजत और पलटन की इज्जत का मान रखते हुए प्रेरणा स्रोत बनी।